हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो कि फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट। इस यूनिट में हम उन फिनोमिनन को पढ़ेंगे जिसमें चार्जेस जो है रेस्ट पर होंगे, रुके हुए होंगे। चार्जेस रुके होंगे तो उस समय कौन कौन से फिनोमिनन होंगे वो हम इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो कूलम्स लॉ, सबसे पहले व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमें किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है वह बताता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, सपोज ये पॉइंट चार्ज है दो। देखिए, ऐसे चार्जेस हम पॉइंट की तरह ज्यूम कर लेते हैं तो उन्हें हम पॉइंट चार्जेस बोल देते हैं। जैसे यहां पर हमें दो चार्जेस दिए हैं, Q1 और Q2, ये है दो पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स लॉ ने बोला कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी फोर्स होगी। तो अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखिए, प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, उसके स्क्वेयर के बराबर है बोला। अच्छा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अच्छा, अब हम डायरेक्टली को हटा देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट लग जाता है जो यहां पर लगता है के। तो Q1 Q2 ऐसा ही रहेगा ओवर आर स्क्वेयर, और इस के को हम यहां कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। फोर्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू दो दो सिस्टम, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग होती है। इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹, और इसके यूनिट भी हम साथ में लिख देंगे। न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। इसके यूनिट हम बाद में निकालेंगे कि किस तरह मैंने जो यहां पर ये न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर लिखा, इसे हम बाद में डिराइव करेंगे। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम के इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस के की वैल्यू जो हम कई बार एफ इज इक्वल टू के की जगह हम 1/4 πε₀ भी लिखते हैं, और साथ में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। ये अब एप्साइलन क्या है, इसे कहते हैं, एप्साइलन को कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, तो यहां लिख दीजिए बिकॉज के इज इक्वल टू 1/4 πε₀। एप्साइलन नॉट, इसे अगर स्पेलिंग में आपको आपको जाननी है तो EPSILON एप्साइलन, और जो यहां पर जीरो सा लगाया है मैंने ओ सा, इसे नॉट पढ़ते हैं तो इसका पूरा हो जाएगा एप्साइलन नॉट। तो अब चलते हैं हम इसके यूनिट्स की, किसके, के और एप्साइलन की यूनिट्स की। तो देखिए हम कैसे किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम के की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ के। हमारा फॉर्मूला बोलता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अब यहां से हमें के की यूनिट्स निकालने हैं, तो के को हम सब्जेक्ट मान लेंगे और बाकी सब एक तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा एफ आर स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। अच्छा, अब एफ की यूनिट हो गई न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, स्क्वेयर हो जाएगा इधर दो पावर है, और Q1 Q2 अपॉन क्यू क्यू के यूनिट होते हैं कूलम कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, और इस कूलम के स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। अच्छा, तो इसके बाद हम चलेंगे यूनिट्स ऑफ एप्साइलन। एप्साइलन क्या बोला था मैंने, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अच्छा फॉर्मूला वही चलेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2। इस बार हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स निकालने हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बना लीजिए और बाकी सब एक तरफ ले जाइए, Q1 Q2 ओवर F R2। अब 1/4 पाई कांस्टेंट है तो मैं उन्हें लिख देता हूं, लेकिन इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, 1/4 पाई के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या क्या हो गए, Q1 Q2 ये हो गया कूलम स्क्वेयर, अपॉन फोर्स के यूनिट हो गया न्यूटन, और आर के यूनिट मीटर स्क्वेयर। तो इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये हो गए एप्सिलॉन नॉट के यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10^-12, और साथ में यूनिट्स भी लिख दीजिए, कूलम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वेयर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, और साथ में के की वैल्यूज और के की यूनिट्स, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का निकालते हैं पहले। वी नो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2। इसी फॉर्मूले से हम के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, तो के को सब्जेक्ट बना लो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, तो ई आर स्केयर इधर चल जाएगा, F R2 ओवर Q1 Q2। अच्छा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है MLT-2, ये कैसे आया, वी नो न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, एम का डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लिखते हैं कैपिटल एम, और एक्सलेशन का होता है LT-2, तो ये हो जाएगा एफ का MLT-2, तो ये इधर आ गया। और आर स्केयर क्या था, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो वो होता है मीटर स्केयर एसआई में उसका यूनिट, और डायमेंशन डायमेंशन में जब हम लिखेंगे तो ये सिर्फ लेंथ आएगी, लेंथ का स्केयर हो जाएगा, इधर इसकी डायमेंशन आ जाएगी लेंथ का स्केयर। अच्छा दो चार्जेस है क्यू वन क्यू टू, अब यहां पर हम ये गलती करते हैं कि क्यू वन क्यू टू को हम मानते हैं, क्योंकि कूलम जो है ऐसा यूनिट में, जो ऐसा यूनिट है चार्जेस के वो कूलम है, तो हम यहाँ कूलम लिख देते हैं, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है एटी में। वी नो आई इज इक्वल टू Q/T, चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो यहां से हम चार्ज लिख सकते हैं I × T। अच्छा आई का जो डायमेंशन डायमेंशन मानी जाती है वो होती है ए एम्पियर, और टी का सेकेंड बोल लेंगे तो ऐसा यूनिट में, और डायमेंशन कैपिटल टी, तो इस क्यू के कारण जो आएगा वो हो जाएगा यहां पर ए टी, और इस क्यू के कारण भी ए टी। इसके बाद हम इसे फर्दर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये एम है, ये एल स्केयर है, इधर पावर वन है, ये हो जाएगा एम एल, इधर वन पावर है तो 1+2, ये एल बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, वो वाला लॉजिक से यहाँ पर 1+2 हो जाएगा, और T-2 ये ऐसा ही रखिए। अब साथ साथ में आगे AT को ऊपर ले जाइए, या फिर ऐसा कीजिए स्केयर कर दीजिए नीचे पहले, A²T², अब इसे ऊपर ले जाइए, ML3T-2, इनकी पावर माइनस हो जाएगी, A की पावर -2, T की पावर -2, ब्रैकेट बंद। अच्छा अब ML3T, देखिए T की पावर -2 -2, और A की पावर हो जाएगी -2। अच्छा इतना भी हो गया सॉल्व, इसके आगे इधर लिखता हूं मैं ML3T-4A-2, ये यूनिट आ गई आपकी के की। अच्छा अब एप्सिलॉन नॉट के लिए, फॉर एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला वही, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2। अच्छा तो हमें एप्सिलॉन के यूनिट निकालने, तो इसे सब्जेक्ट बना लीजिए, एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बना लीजिए, इधर हो जाएगा एफ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा Q1 Q2 ओवर F R2। अभी हमने देखा Q1 Q2 के क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है Q का AT,
तो यहां हो जाएगा ए टी इंटू ए टी होल अपॉन एफ, फॉर्मूला अभी निकाला हमने, एम एल टी माइनस टू आर स्केयर का हो जाएगा एल स्केयर, लेंथ है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर ए स्केयर टी स्केयर, नीचे सॉल्व कर दीजिए पहले, एम एल एल देखिए एल की पावर इधर 1 है इधर 2 है, ये ऐड होकर बना देंगे 3, एम एल की पावर 3 टी की पावर -2, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए, ये एम ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा एम की पावर -1 एल एल की पावर -3 टी की पावर, ऊपर देखिए टी ऊपर ऊपर देखिए 2 टी का स्केयर था और एक पावर और आई और ये प्लस की पावर बन जाएगी, माइनस इधर है ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा +2 साथ में ए स्केयर इतना, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा एम -1 एल -3 टी की पावर 4 ए स्केयर, और ये आ गया आपके एप्सिलॉन नॉट के का डायमेंशन फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एमसीक्यू में जो है पूछा जाता है, जो कि आपके फर्स्ट 10 एमसीक्यूज आते हैं उसमें बहुत बार एप्सिलॉन नॉट के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कई बार के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। देखिए जैसा कि यहां बताया कूलम्स लॉ ने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर, मतलब अगर हम चार्जेस को बढ़ा देंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, सपोज ये +1 था +2 +1 Q था +2 Q था, मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा देंगे तो उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। और अगर इन दो चार्जेस के बीच को अगर हम डिस्टेंस को देखें, अगर हम बढ़ा देंगे ये जो आर था, अगर हम इस डिस्टेंस को अगर हमने बढ़ा दिया इन दो के बीच के, तो देखिए आर स्केयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस एफ के, मतलब अगर हमने आर को बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगी, और अगर आर को कम किया और मतलब कि दो चार्जेस को नजदीक नजदीक लाते गए तो उन दो के बीच में जो फोर्स लगेगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो बढ़ जाएगी। तो ये बताया कूलम्स लॉ ने कि किन्हीं दो चार्जेस किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है। तो आने वाले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।